कृषि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। देश में सभी राज्यों की धरती कृषि के उद्देश्य से भिन्न है। हिमाचल की धरती व बिहार झारखंड की धरती एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लद्दाख व जम्मू कश्मीर की धरती में बहुत फर्क है। इसलिए किस राज्य की जमीन कृषि के दृष्टिकोण से कैसी है, इसे ध्यान में रखते हुए कृषि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। लेकिन मोदी सरकार ने बिना राज्यों की सहमति से जबरन रातोंरात अध्यादेश लाकर कृषि कानून बना दिया। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने उमगांव स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि कानून सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत किसान कम कीमत में ही कॉरपोरेट को अपना सामान बेच पाएंगे, निर्धारित MSP से अधिक कीमत नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, किसान और कॉरपोरेट के बीच विवाद होने पर किसान कोर्ट भी नहीं जा सकते। दरअसल मोदी सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को खेती में इतना घाटा हो जाए कि वे अपनी ज़मीन मोदी सरकार के चंद पूंजीपति मित्र को बेच दें। वहीं पूर्व मंत्री ने डीजल, पेट्रोल व सरसों तेल LPG की बढ़ती कीमतों पर सरकार के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि जिस मोदी सरकार ने बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार के नारे से सत्ता हासिल की थी, वे आज जनता पर महंगाई के साथ साथ काला कानून थोप रही है। मौके पर अजय राय, दयानंद झा, मोहम्मद इजहार, राजकुमार मंडल, योगेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद थे। इन्होंने कृषि का होता है अधिकार है राज्य सरकार को, हिमाचल की धरती कैसी है और बिहार की धरती कैसी है ये तो अलग अलग तरह की धरती है, झारखंड की धरती में और बिहार की जमीन में फर्क है, लद्दाख की धरती कैसी है और जम्मू की धरती कैसी है एक राज्य में, तो राज्य सरकार का अधिकार है कृषि का कानून बनाना। मोदी जी ने रातों रात न किसी राज्य सरकार से पूछा, न किसान से पूछा, न पार्लियामेंट से पूछा, अध्यादेश से किसान पर कानून बना दिया जिसका कोई अधिकार नहीं।